लोकसभा चुनाव में भी ये लोग दावा कर रहे थे कि सारा सीट जीतेंगे, रिजल्ट जब आया देखो जीरो पर आउट हो गए। महागठबंधन का नेता कौन है पहले तय तो कर ले। देखिए ये महागठबंधन स्वार्थ के नींव पर है, जब किसी में स्वार्थ आ जाता है तो उसका रिजल्ट जो होता है सबको मालूम है। महागठबंधन में भांति भांति तरह के नेता है, जीतनराम मांझी, हमने पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी का नहीं होगा न हुआ वो किसी का नहीं हो सकता है। बूढ़ तोता पोस नहीं मानता है, वो ही हाल जीतनराम मांझी का है, वही हाल उपेंद्र कुशवाहा का है, वही बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। ये लोग को मुख्यमंत्री की कुर्सी जैसे लग रहा है कि बाजार में बिक रहा है जाके खरीद ले। अरे वैकेंसी कहाँ है, कोई वैकेंसी नहीं यहाँ। और तेजस्वी यादव को लोग नेता भी नहीं मान रहा, इसलिए जो उपचुनाव हो रहा है उसमें ये लोग जीरो पर आउट होंगे। ये तो टेलर है, और 2020 में जो चुनाव होगा सबको रिजल्ट मालूम है। नहीं तो कह रहे खाता नहीं खुलेगा। कह रहे थे एनडीए से पूछे कि दुल्हन कौन है, तेजस्वी यादव कह रहे दुल्हा तैयार है यहाँ बैठा हुआ। क्या कि वो दुल्हा है, आप लोग बताइए दुल्हन कब तैयार है। कौन दुल्हा है? तेजस्वी यादव। दुल्हा मानने के लिए कौन तैयार है? बिहार की जनता तो नकार दिया, बरात चला दरवाजे पर से लौट के चला आया, बरात चला और दरवाजे पर से लौट के चला आया। रिजल्ट उनको मालूम है। जो व्यक्ति प्रतिपक्ष के नेता है, एक प्रतिपक्ष के नेता एक गरिमा होता है। जब सेशन चल रहा था विधानसभा, जो व्यक्ति एक दिन एक घंटा केवल आया हो विधानसभा में, प्रतिपक्ष का नेता का अलग भूमिका होता है। अपने क्षेत्र के बात को उठाना, बिहार से जुड़े हुए जो मामला उसको उठाना। जो व्यक्ति ये विधानसभा में जाने का काम नहीं किया वो व्यक्ति कैसे नेता हो सकता है? अच्छा बोल रहे हैं कि बैलेट से चुनाव कराकर देख लें, औकात पता चल जाएगा। हाँ भाई देखिए, ये इनको लालू यादव जी की विरासत से राजनीति मिला है। इनको सब तरह का थाली मिल गया है, पांच तरह का सब्जी मिल गया है, पराठा मिल गया, चटनी मिल गई, मजे में खा रहे हैं। ये तो मेहनत किए नहीं, ये बोली का कमाई खा रहे हैं। जिस तरह का भाषा का प्रयोग तेजस्वी यादव जी करते हैं, बिहार की जनता देखिए, 12 करोड़ जनता नीतीश कुमार जी को गले लगा लिया है। बिहार की जनता विकास का आस्वाद चढ़ चुका है, वो किसी के बहकावा में नहीं आएगा। उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, सारा सीट